केशव पता नहीं कौन सी लड़की के पीछे भाग गया। केशव भाई कौन सी लड़की के पीछे भाग गए? केशव की मम्मी से बोलना पड़ेगा, ये बिगड़ रहा है इसको, कुछ ज्यादा ही मम्मी से कहना पड़ेगा। तो गाइस पहले आपसे पहले हम शूट थर्ड शूट कर लेते हैं, फिर आपसे मिल। ये इंसान हमेशा गुस्सा ही रहती है, इनसे क्या करें। हम इससे कहते हैं ब्लॉग में आया करो, बट ये आती नहीं, ये छोटी सी बच्ची है। ये फ्रेम में अगर सब बताओ ठीक लगे लगे, आई थिंक मुझे तो ठीक लगे। और कैमरा तो कैसे आपको पता ही है हमारा कौन सा है, सोनी का A7 III है, और सेट का तो यहाँ से निकाल लेंगे ठीक है। बाकी पहले हम एक जहाँ पे थोड़े सिनेमैटिक भी ले, बेसिकली पूरा पार्क। बाकी आपको मैं कुछ इसके सिनेमैटिक वगैरह आपको यहाँ पे हम लगा देंगे, आप देख लेना ठीक है। तो पता नहीं क्या प्लान कर रहे हैं, मुझे मारने के प्लान कर रहे हैं। रहन तो भाई, रहन तो मारने का प्लान कर रहे हैं। देखो कैसे हमें दिखा जरा। तो अभी गाइस हमारा सेकंड शूट हमारा होता कंप्लीट, और देखो सो हेलो एंड वेलकम भाई लोग, कैसे हो आप सब? आई नो सब बढ़िया हो गया और मजे कर रहे हो गए। सो अभी गई जब हमारे को सूट पे, और आज की हमारी जो लोकेशन होने वाली है, हमने पूरा पार्क चूज करा है, और इसका नाम है हरल पार्क। और यहाँ से हम निकालने वाले हैं तीन सूट का मतलब 9 फोटोज। आपको बिहाइंड द सीन सबको दिखाएंगे। बाकी आप यहाँ पे देखो, पहले तो काम निको हेलो एज यूजुअल, आपको पता ही है इंसान हमेशा गुस्सा ही रहती है। तो हाय प्लीज, हेलो क्या प्लीज क्या, ये इंसान हमेशा गुस्सा ही रहती है, इनसे क्या करें। और किसब भाई आप कैसे बताओ? हेलो भी बहुत बढ़िया। केशव भाई बताने क्यों गुस्सा हो मैं? चोट मार दी तुझार ने इसके। सॉरी देखो, सॉरी देखो गाइस, मैंने सॉरी बोला कैमरे में। तुम सॉरी बोल के निकल जाओगे क्या? बात तो सही है। सो केशव भाई कैसे बताओ? हेलो भाई आप बताओ कैसे हो? और गाइस देखो, मेरे बहुत लोग मुझे जब मैं लाइव आया था कमेंट कर रहे थे कि कैमरामैन के लिए भी भाई जो हमारे जो बिहाइंड द सीन हमारे जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये है हमारे कैम, ये बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे वो कौन है, मैंने नाम भी लिया था कि केशव का, बट लोग पहचान नहीं पाए। तो ये है लोग ठीक है। एंड बाकी गाइस जो हमारी जो काम निकल आपको पता ही है, ये ऐसी बनाती रहती है। और क्या करें इसका, हम इससे कहते हैं ब्लॉग में आया करो, बट ये आती नहीं, ये छोटी सी बच्ची कैसी हो? तो गाइस देखो, अभी देखो सारी बातों को छोड़ते हैं, पहले आपको दिखाते हैं। देखो आज जो हमने जो फोटोज क्लिक करी है वो कहाँ क्लिक करी है, जो हमारी पहले जो शूट की लोकेशन थी हमारी जो फ्रेम आपको मैं दिखा दूंगा। देखो ये है हमारा फ्रेम ठीक है, देख पा रहे यहाँ पे बैठे थे, और ये इस टाइप का फ्रेम था। और कैमरा तो कैसे आपको पता ही है हमारा कौन सा है, सोनी का A7 III है। और इसका हमने आपको दिखाते हैं इसका अपर्चर वर्जन क्या रखा है, हमने ISO रखा है आपने देखो 400, और F1.4, और 2000 में इसका रखा है शटर स्पीड ठीक है। और कुछ फोटोज हमारी इस टाइप के क्लिक हो गई है आपको, जैसे कि देख पा रहे हो कुछ फोटोज भी अच्छी आई है हमारी सारी, आप देख लो सारे फोटोज, आई थिंक बेस्ट है आपको इसमें दिखाऊं व्यू फाइंडर में। तो कैसे जैसे कि देख पा रहे हो फोटो भी हमारी अच्छी है ठीक है। बाकी हमारी ये तो हमारा फर्स्ट शूट हमारा हो चुका है कम्प्लीट। और अभी गाइस हम यहाँ पे देखो मैं ऐसे टहल रहे हैं, और हमें सेकेंड लोकेशन हमें ढूंढनी है ठीक जी। कौन गाइस? हेलो कौन? तो भाई बाकी यहाँ पर सनसेट हो रहा है, अब देखते हैं अगर हम कुछ चीज़ यहाँ से निकाल पाए सनसेट का, तो यहाँ से निकाल लेंगे ठीक है। बाकी पहले हम एक जगह पर थोड़े सिनेमैटिक भी ले लेते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो टाइम हो रहा है 6:38 मान लो ठीक है, और सनसेट हमारा होने ही वाला है। बट अब हम सोच रहे हैं सनसेट को शूट, अगर आपको भाई ये वाला इस टाइप का कुछ पार्क वगैरह लोकेशन मिलती तो आप गाइस यहाँ पे क्या शूट करते, मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर आपको कुछ इस टाइप का बेसिक देख पा रहे हो पूरा पार्क। बाकी आपको मैं कुछ इसके सिनेमैटिक वगैरह आपको यहाँ पे हम लगा देंगे, आप देख लेना ठीक है। अगर आपको भाई लोग ये कुछ इस टाइप की लोकेशन मिलती तो गाइस यहाँ पे कैसे शूट करते प्लीज़ कमेंट में बताओ। एंड भाई आई होप देखो पहले भाई लोग सनसेट होने वाला है, पहले यहाँ पे सेकंड लोकेशन पे शूट करते हैं, और थर्ड भी अभी यही करना है। पहले तो करते हैं पहले तो भाई देखो सामने का वीडियो को कितना अच्छा मौसम, मतलब मौसम तो नहीं है ये बोलो कि सनसेट हो रहा है। और अभी गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं और कामनी हम यहाँ पे हम हैं, और हमने कर चुके सेकंड शूट भी कंप्लीट। तो कैसे कैसे हमने कंप्लीट करा आपको बताते हैं। पहले तो इस कामनी से बताओ, कामनी आज वाली जो हमारे लोकेशन पे आए हैं हम कैसे हैं बताओ? अरे कुछ पता ही नहीं यहाँ पे क्यों हो रहा है। हेलो कुछ देख रही है और कुछ चल रहा है ये पता नहीं गाइस, और कुछ पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं पता नहीं। देखो गाइस आपको दिख पा रहा हो तो वहाँ पे देखो लड़की पता नहीं फोटो क्लिक कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे पता नहीं। तो मारो गोली हमें उससे का मतलब पड़ा है। तो गाइस देखो अभी यहाँ पे हम हमारे सेकंड लोकेशन आम देखो हमारे केशव भाई वो बैठे पड़े हैं, पता नहीं क्या फोन में फूल पत्ती होगी, पता नहीं क्या शूट करने में व्यस्त है वो। तो क्या हुआ, वो कुछ यूनिक देख रहे हैं ना? अच्छा यूनिक देख रहे हैं, ओके यूनिक देख रहे तो अच्छी बात है, चलो वेल एंड गुड बाय ठीक है। देखो गाइस हम दोनों बात करते अच्छे हैं, क्या हुआ सेकंड शूट हमारा हो चुका है, थर्ड बचा है ना हमारा, बताओ कमनी जी। यार ये कितनी ऑसम है यार, कैसे शांत बैठे हम लोग यार। नहीं लोग ज्यादा पहले हम ज्यादा खुश रहते थे, लोगों को ये टाइम बोलती रहती पागल ही है, अब हम शांत हो गए तो भी प्रॉब्लम है। देखो ऑडियंस बताइए तुम्हारी वीडियो देख के कि कौन पागल है कौन क्या, इनसे पूछो। तो गाइस से पहले यहाँ से देखो चलते हैं, हमारी सेकंड शूट हमारी हो चुकी है कम्प्लीट। और सेकंड शूट, अरे गाइस देखो मार रही है, देखो कैसे मार रही है मुझे फालतू में।
देखो गाइस यहाँ पे मुझे पता नहीं क्या प्लान कर रहे हो, तो मारने का फालतू में क्या क्या बात है, क्या प्लान कर रहे हो मारने का? प्लान क्या प्लान कर रहे हो आप गाइस? तो गाइस देखो ये पता नहीं क्या प्लान कर रहे हैं, मुझे मारने के प्लान कर रहे हैं। रहन तो भाई, रहन तो मारने का प्लान कर रहे हैं। देखो इन्हें हम छोड़ेंगे नहीं गाइस, कर दो पागल है क्या? देखो गाइस ये देखो मारने का प्लान कर रहे हैं, कैमरे देखो देखो गाइस ये दो लोग मतलब एक बनके मुझे हमें परेशान कर रहे हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं हमारे अंदर गाइस। हम कैसे पे हमें दिखा जरा। तो अभी गाइस हमारा सेकंड शूट हमारा हो चुका कंप्लीट, और देखो गाइस ये पता नहीं मारने व्यस्त है मुझे, देखो ये मुझे उठा नहीं सकता, उठा ना आया देख तो गाइस तो अब गोदी में उठाने की बात हुई। हां देख ला गोदी में उठा, एक ब्राइड की तरह जैसे ब्राइड को लग रहा है। हां देखो मैं एक मेरे हाथ में जान है, देखो मैं उठा लेता हूं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, कोई सेंस है इस बात की। तो अभी गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ का जो सनसेट है वो भी अच्छा हो रहा है। बाकी अभी हम कैसे सबसे लेते हैं कैमरा और क्विक शिफ्ट करते हैं कैसे पर। तो गाइस सर को फालतू की बात नहीं करते, ये हमारी सेकंड लोकेशन थी और इसका भी भाई लोगों हमने जो आईएसओ और शटर स्पीड रखा है हमने बिल्कुल सेम रखा है, आप देख लो क्योंकि भाई देखो आईएसओ आपको दिखाते हैं एक बार ठीक है। पहले इसके जरा डिटेल्स खोलते हैं। हाँ जैसे कि देख पा रहे हो इसका भी, ये तो पहले वाली फोटो हो गई ना, अब वाली कहाँ गया हमारी बाली आ गया। अरे भैया कैसे भाई ऐसे धोखा मत करो, फोटो डिलीट हो गई तो। हाँ तो देखो भाई इसका भी देखो 400 आईएसओ है और 2000 स्पीड रखा है, यहाँ पे फोटो वेल एंड गुड आई है। अब गए देखो सनसेट भी हो चुका है यहाँ पे, थर्ड लोकेशन हम फटाफट से ढूंढ लेता है वरना हमारा सूट वगैरह सब खराब हो जाएगा ठीक है। तो भाई अभी हमने देखो ये वाली भी हमने देखो हमारे आपको पता होगा हम एक बेकार फोटो एक अच्छी वाली रील बनाते हैं फ़ोन से, वो हमने यहाँ पर लिया है फ्रेम, इसका भी आपको रील हमारे मिलेगी आपको हमारी इंस्टा आई डी पर। बाकी देखो गाइस काम नहीं पागल होती है इस टाइम, पता नहीं क्या डांस फालतू में कर जा रही है, ज़्यादा ही डांस की दीवानी हो रही हो क्या? तो गाइस कैसा जल्दी आओ यार, कैसा यार जल्द मैं तो आ ही जाऊंगा। चलो यार देखो यार सब सनसेट हो गया भाई, कहाँ बनाएंगे वीडियो भी तो बताओ, सूरज गायब हो गया पूरा। अच्छा यार ये तो बताओ थर्ड लोकेशन कौन सी करेंगे ये तो बताओ पहले। थर्ड मैंने ये देखिए ये वाला फ्रेम सस्ती संग चुप हो जा, वही क्या हो गया उसके बाद दिखाते हैं वरना हमारे फोटो भी ना हो पाएगी, हमारा पोर्ट बन जाएगा गाइस। कुछ ज्यादा ही पागल हो रही है ब्लॉग में, पता डांस करने के मूड में गाइस। देखो साइड में देख पा रहे मिक्की माउस है और झूले वगैरह, तो वहाँ पे गाने बज रहे हैं, तो ये पागल हो चुके डांस करते हुए। हम शूट करने आए हैं, देखो सनसेट होने वाली है, कर तू कर आज गाइस इसका डांस, देखो तू कर 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 ना, अब कर तू डांस कर, पहले तू कर ले, हम तो हैं पागल तू कर, चल हट जा। तो चलो गाइस पहले यार यहाँ पे गाइस हम शूट करते हैं वरना गाइस हमारा हो जाएगा पोपट ठीक है। और बाकी भाई लोगों आपको प्लीज़ कमेंट करके बताना यार ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है ठीक है। और गाइस काम नहीं भी पसंद कर रही है, और कैसा पता नहीं कौन सी लड़की के पीछे भाग गया, कैसा भाई कौन सी लड़की के पीछे भाग गए, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अरे यार गाइस देखो फ्रेम देखने में ऐसे भाग के गए जैसे कि किसी लड़की के पीछे भाग रहे हैं। तो गाइस देखो मुझे लगता है कि सब की मम्मी से बोलना पड़ेगा, ये बिगड़ रहा है इसको कुछ ज़्यादा ही, इनकी मम्मी से कहना पड़ेगा। तो गाइस पहले हम सूट थर्ड सूट कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो अभी गाइस देखो जो हमारी थर्ड लोकेशन है हमारी, वो हमारी होने वाली यहाँ पर, हम बैठे हुए थे और हमने यहाँ से इस वाले फिल्म में शूट कराए, एक बार आपको दिखाता हूँ जाते आ रहे ठीक है। क्योंकि थर्ड लोकेशन आपको दिखाया था, देखो यहाँ पर हमारा कैमरामैन थे और हमने साइड से थोड़ा ग्रास वाला हमने शूट करा है। आई होप आपको ये वाली पिक अच्छी लगे, बेस्ट लगे हमारी, और बाकी हमारे को शूट हो जाएगा कम्प्लीट। और इस अभी हम यहाँ से देखते हैं बाहर जाएंगे कुछ खाएंगे मन होता है तो ठीक है। और इस लड़की के बारे में कुछ कहना नहीं है, हमेशा जो जिंदगी भर मुझसे लड़ती रहेगी और कुछ नहीं, हमारे मुझसे कुछ निकलने वाला था, मैंने मुंह बंद कर लिया, छोड़ गया इस मारे गोली ठीक है। तो गाइस देखो केशव भाई बहुत आज खुश हो रहे हैं, इनके स्माइल देख के आप समझ सकते हो भाई क्या ये, आराम से कभी देख के चलना पड़ेगा यार, थोड़ा जंगल टाइप का ही है, जंगल तो ना पार्क ही है। बाकी भाई लोगों को तो यार पहले ऐसे बाहर निकलता उसके बाद आपको दिखाते हैं ठीक है। क्योंकि भाई लोगों को वहाँ बहुत गर्मी हो रही है, बहुत पसीने आ रहे हैं, जैसे कि आप देख यहाँ पे देख सकते हो मेरी शर्ट का क्या हाल हो चुका, पूरी शर्ट मेरी भीग चुकी है पसीने से। तो गाइस देखो फोटोग्राफी इतना आसान नहीं होता कि लोग सोचते हैं बिल्कुल आसान हो, तो आसान भी नहीं होता ना, मुश्किल होता। तो पहले गाइस यहाँ चलते हैं बाहर, आपको फिर आपको ब्लॉग को एंड करते हैं।
तो भाई लोगों, अगर आपको ब्लॉग ने ब्लॉग यहाँ तक देखा है तो ब्लॉग पे करते हैं लाइक एंड कमेंट एंड शेयर, एंड आई होप आपको हमारे आज का जो फोटो का ब्लॉग है अच्छा लगा हो। और प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताना कि हमारी क्या आज के ब्लॉग में गलती थी, और आपको अगर ऐसे ब्लॉग और चाहिए कमेंट करके बताना। बाकी भाई लोग, हमारे सारे पिक के लिंक आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम, तो वहाँ पर फॉलो कर लो, नीचे मिलेगी लिंक। बाय बाय।